नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के विवादित बयान पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने हैरानी जताई। कहा, सीएम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? लठ उठाना, किसी के सिर पर फोड़ना जैसी भाषा का इस्तेमाल गलत है। सीएम ने पार्टी के युवा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहा कि उठा लो लठ, किसानों को तुम भी जवाब दो, देखी जाएगी यानी देख लेंगे। जेजेपी ने जताई है सीएम के बयान पर हैरानी। चंडीगढ़ में बीते दिन सीएम पार्टी में की युवा किसान मोर्चा की इकाई कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान ये बात कही सीएम ने। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि नए नए किसान संगठनों को प्रोत्साहन देना होगा और खासकर उत्तर पश्चिमी हरियाणा में समस्या ज़्यादा गंभीर है और इसलिए इन इलाकों में प्रत्येक गाँव में 500, 700 और 1000 युवाओं को वॉलंटियर बनाओ और फिर जैसे को तैसा की भाषा में जवाब दो। जमानत की परवाह मत करो, हम देख लेंगे। आप लोग जब 2-4 महीने अंदर जेल में रहकर आओगे तो इनकी मीटिंग सीखते हैं, यानी जेल में मीटिंग करके इनसे ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करके और बड़े लीडर बन जाओगे। जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने सीएम के इस बयान पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने बयान सुना और पढ़ा नहीं है, लेकिन लठ उठाना, किसी के सिर पर फोड़ना जैसी भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं? अभी आज सीएम साहब का एक बयान आया जी किसानों को लेकर, कुछ अपने किसान इकट्ठे करो जा रहे हर गांव में लठ वाले जो दूसरे किसानों के सर फोड़ दे, उसमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना, वीडियो हमारे पास है, लेकिन कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी। पता नहीं यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये बात कही। अभी आज सीएम साहब का एक बयान आया जी किसानों को लेकर, कुछ अपने किसान इकट्ठे करो जा रहे हर गांव में लठ वाले जो दूसरे किसानों के सर फोड़ दे, उसमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना, वीडियो हमारे पास है, लेकिन कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी। पता नहीं यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये बात कही। अभी आज सीएम साहब का एक बयान आया जी किसानों को लेकर, कुछ अपने किसान इकट्ठे करो जा रहे हर गांव में लठ वाले जो दूसरे किसानों के सर फोड़ दे, उसमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना, वीडियो हमारे पास है, लेकिन कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी। पता नहीं यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये बात कही। अभी आज सीएम साहब का एक बयान आया जी किसानों को लेकर, कुछ अपने किसान इकट्ठे करो जा रहे हर गांव में लठ वाले जो दूसरे किसानों के सर फोड़ दे, उसमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, मैंने तो बयान नहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना, वीडियो हमारे पास है, लेकिन कोई किसी का सर फोड़ना तो मेरा ख्याल है कि कोई उचित भाषा नहीं होगी। पता नहीं यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये बात कही। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा, और अगर हर जिले में खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हज़ार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचरे, क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता, जैसे को तैसा खा लो ठंडे, ठीक है? नहीं, वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी, अगर 2-4 महीने वहां रहा होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। नहीं, 2-4 महीने में अपने आप बड़े नेता बन जाओगे, चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है।